YouTube फैमिली, कैसे हैं आप? आज देखिए चिकन 65 बन रहा है और साथ में एक ये ट्रेन आपको दिखाती हूँ ये रास्ते में जो नजर आई है। ये सिर्फ इसको लाइट रेल कहते हैं और बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे ये चलती है। और ये देखिए एयर फ्रायर से बने हैं खूबसूरत चिकन 65। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार थे ये। और बस इसको आपने, मेरा ख़्याल है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 20 मिनट लगे थे इसकी साइड्स पलट के दोनों तरफ से जो मैंने बनाया था, और इसमें इतना टाइम नहीं लगा था। तो चिकन 65 बनाना बहुत आसान है, बस आप बाज़ार से बना बनाया मसाला ले आएँ चिकन 65 का, और अंडे की दो सफ़ेदियाँ लें, उसको आप फेंटें और उसके बाद वो मिक्सचर उसमें ऐड करें और ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दें, या जब भी बनाना हो आप रख दें। उसके बाद आपने इसको चाहें तो रैंच के साथ या केचप के साथ सर्व करें और मज़ा लेके खाएं। और बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर था। थोड़ा सा मैंने बनाया था, मैंने कहा चलें थोड़ा ट्राई करते हैं। तो ये देखें, ये एक साइड पलटी, फिर मैंने दूसरी तरफ करके इसका टाइमर चेंज किया, टाइम भी चेंज किया, और उसको मैंने कुक मैच पे रखा क्योंकि दोनों पोर्शंस में एक ही चीज़ थी। बाहर खूबसूरत मौसम भी हो रहा था, साथ में मज़े मज़े के चिकन 65 के पीसेस तैयार हो रहे थे, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एयर फ्रायर का एक फ़ायदा है कि एक तो इसमें आपको बिजली की बचत भी हो जाती है, सेकेंडली बिल्कुल ऑयल मैंने एक कतरा ऑयल नहीं डाला, थोड़ा सा स्प्रे करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन आप फिर भी देखें शाइनिंग कितनी है। ये जो शाइनिंग है इसकी, ये एक्चुअली में योक की वजह से आई है, सॉरी अंडे की सफ़ेदी की वजह से आई है, एग्स वाइट की वजह से। तो बस अब ये तैयार होने ही वाला था, और इसको मैं बार बार इसलिए देख रही थी कि कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि देखते रहना चाहिए ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि इसमें कोई ज़्यादा जल ना जाए या ऐसी कोई बात ना हो जाए। तो इसको ये जैसे मैंने मैरिनेशन निकाली थी, ये मैंने पहले वो बनाया दिखा दिया आपको, लेकिन ये मैरिनेशन थी, इसको मैंने ओवरनाइट रखा था, थोड़ा सा चिकन का अपना पानी भी था वो भी निकला बाहर, मैंने इसमें जर्दे का रंग भी डाला था। और फिर उसके बाद इसको हमने मैच कुक पे किया और टेम्परेचर सेट किया, टाइमर सेट किया और एयर फ्रायर पे सेट किया, साथ में नगेट्स और थोड़े से फ्राइज भी तो जो थे रोल्स वो भी हमने बनाए। बारिश का मौसम था खूबसूरत, तो हमने सोचा कि बाहर हलवा पूरी का नाश्ता भी किया जाए, और संडे का दिन हो, हलवा पूरी ना हो तो अब तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, हर संडे को मज़े का हलवा पूरी चने खाते हैं। तो ये लाल किला का रेस्टोरेंट है, इसको अजान कढ़ाही भी कहते हैं, अजान कढ़ाही एंड कबाब, और इसमें डिफरेंट किस्म के बूफे भी होते हैं, ब्रंच भी होता है, ब्रेकफास्ट भी होता है, डिनर भी होता है। तो अभी हम 11:30 बज चुके थे, हमने कहा चलो नाश्ता करते हैं जाके, लेकिन इतनी बारिश थी। और अभी हम अंदर पहुँचे हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में नाश्ता तैयार है, क्योंकि अमूमन लोग इतने जल्दी नाश्ता करने भी नहीं आते हैं। तो शुक्र है खुला हुआ था, रश भी इतना नहीं था। अलबत्ता पाकिस्तान का जो
फाइनल मैच है, श्रीलंका के साथ हो रहा था, तो लोग इकट्ठे हुए हुए थे जिसकी वजह से हमें कुछ लोग नज़र आए। अभी बुफे की तैयारी कर रहे थे तो सिर्फ चने और हलवा और आलू की भुजिया वगैरह पड़ी हुई थी। तो ये देखिए, इनके किचन में ज़बरदस्त किस्म की पूरियाँ पराठे तैयार हो रहे थे फ्रेश, और बहुत ही सफाई रखी हुई थी। और ये कुछ पाकिस्तानी ख़वातीन थीं जो उन्होंने रखी हुई हैं, जो एज अ वेटर सर्वर होती हैं, जो उन्होंने रखी होती हैं। सो बस बड़ा देसी सा माहौल था और ऐसा लग रहा था कि हम पाकिस्तान के ही किसी रेस्टोरेंट में नाश्ता करने आए हैं। ये पराठे बन रहे हैं और इसमें बाहर लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं और साथ में मैच देख रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का, और सब ऐसे उसमें बिल्कुल गुम हुए हुए थे। खैर, मुझे तो इतना क्रिकेट का अब शौक़ नहीं रहा, लेकिन मैं फिर भी देख रही थी साथ साथ और अच्छा लग रहा था। तो हमने कहा चलें फिर तैयारी करते हैं नाश्ता करने की। हमने पूरियां ऑर्डर की। अब ये देखें, पूरियां जो हैं ये मैदे के आटे की नहीं बल्कि गंदम के आटे की हैं, जो कि एक अच्छा फैक्टर था इनका। और हलवा भी बहुत अच्छा था, चने का जायका बहुत मज़ेदार था। बाकी लोग भी साथ में इंजॉय कर रहे थे, चाय पी रहे हैं, कोई लस्सी पी रहा है, कोई कहवा पी रहा है, और कोई अभी मज़ीद बैठेगा क्योंकि उन्होंने लंच करके ही जाना है। तो ये देखिए, लस्सी इनकी औसम थी, इस कदर गाढ़ी मज़ेदार लस्सी मैंने वैसे बहुत अरसे के बाद ऐसी मज़ेदार लस्सी पी है। ज़बरदस्त क्रीमी लस्सी थी, बहुत ज़बरदस्त। थोड़ी देर में उन्होंने मज़ीद चीज़ें भी रखना शुरू कर दी, लेकिन हम तो अब नाश्ता कर चुके थे तो हमने सोचा नेक्स्ट टाइम इसको भी ट्राई करेंगे। अभी काफ़ी चीज़ें हैं तो